जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी केस के बारे में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि उसके एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, बल्कि पूरे 59 हिस्से किए गए थे और उसे फ्रिज में जचा करके रख दिया गया था, जिसका खुलासा तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जा करके होता है। तो आज हम इसी के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिरकार महालक्ष्मी कौन थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और आखिरकार उसको उसके किए की क्या सजा मिली। तो फिर स्वागत है आप सभी का फिर से डार्क रियलिटी के एक और नए एपिसोड में। यह कहानी है महालक्ष्मी की, जो कि एक सामान्य सी महिला थी, लेकिन उसका जीवन एक दिन अचानक से भयानक घटना में बदल गया। यह घटना ना केवल उसकी निजी कहानी थी, बल्कि इसने पूरे बैंगलोर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब बैंगलोर के एक फ्लैट में दो दिन से सन्नाटा पसरा हुआ था। फ्लैट के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी और बाहर से बिल्कुल सामान्य सा ही लग रहा था, लेकिन पड़ोसियों को वहां धीरे धीरे अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बदबू का कोई ठोस कारण नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे यह बदबू पूरी तरह से इमारत में हर जगह फैल गई। अब सभी लोग चिंतित हो गए थे, लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार वो बदबू आ कहां से रही है। जयरमन जो उस फ्लैट के मालिक थे, पड़ोसी ने उनसे संपर्क किया। जयरमन को समझ में आया कि यह मामला शायद कुछ गंभीर हो सकता है। उन्होंने चाबी लेकर फ्लैट का दरवाजा खोलने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो दृश्य उनके सामने आने वाला है वह उनकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। हालांकि उस मकान मालिक के पास उस फ्लैट की डुप्लीकेट कोई चाबी नहीं थी, तो अब उस मकान मालिक ने उसके घर पे कॉल करके सारी बात समझाई कि आपकी बेटी के फ्लैट से ऐसी वैसी अजीब सी गंध आ रही है। अब यह बात सुनते ही उसके घर वाले अंदर से सहम गए, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत ही आजकल देखने को मिल रहे थे, तो उनके मन में भी अजीबो तरह के सवाल खड़े होने लगे। इसीलिए अब बिना समय गवाए उसकी माँ वहाँ चाबी लेकर के आती है, जो कि महालक्ष्मी ने एक अलग से डुप्लीकेट चाबी उस फ्लैट की अपनी माँ को दे रखी थी। और अब उसकी माँ उस फ्लैट पर पहुंच करके दरवाजा खोलती है, तो उसके साथ वहां खड़े सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। और यह सब देख करके महालक्ष्मी की माँ और बहन और वहां खड़े पड़ोसी लोग अंदर से सहम गए। उनके दिलो दिमाग में बस यह सवाल उठ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन असली सदमा तब लगा जब उनकी नजरें उस फ्रिज पर पड़ी जो फ्लैट के अंदर रखा हुआ था। उस फ्रिज के नीचे से खून रिस रहा था, जो कि यह बातें खुद उन्हीं लोगों ने बताई कि हमने वहां पे कुछ ऐसा नजारा उस समय देखा था। हालांकि फॉरेंसिक टीम यह बता रही है कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, साफ सफाई पहले से की जा चुकी थी। हालांकि जब मैंने खुद वो वीडियो देखी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि साफ सफाई वहां पे नजर आ रही है, ऐसा कुछ सीन नहीं था। जो कि अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, एक छोटा सा क्लिप है तो एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, मे बी पॉसिबल हुआ तो शेयर कर दूंगा। खैर, जब महालक्ष्मी की मां ने थोड़ी हिम्मत जुटा करके जब उस फ्रिज को खोला, तो जो नजारा सामने आया था वो किसी की भी हिम्मत को चकनाचूर करके रख सकता था। महालक्ष्मी का शरीर जिसके कई अनेकों हिस्से किए जा चुके थे और फ्रिज में तीनों खटाल में जचा कर रखा हुआ था और सबसे निचली खटाल में उसका सर रखा गया था। यह नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। अब यह सब देख करके उसकी माँ की हालत क्या रही होगी, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी हालत को बयान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। उन पड़ोसियों ने और जयरमन ने मिलकर के फिर पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और घटनास्थल को देख करके वो भी सिहर उठे। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो सबसे पहले पूरे फ्लैट को घेर लिया गया और फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया और फिर फॉरेंसिक टीम उसकी जांच करने लगी।
फॉरेंसिक जांच से पता चला कि महालक्ष्मी की हत्या लगभग 15 दिन पहले ही की जा चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि किसने और क्यों महालक्ष्मी की हत्या की। जांच की शुरुआत महालक्ष्मी के परिवार से की गई। महालक्ष्मी एक साधारण महिला थी जिसकी शादी हेमंत नाम के व्यक्ति से हुई थी। हेमंत बेंगलोर में ही एक मोबाइल की दुकान चलाते थे और उनकी शादी को तकरीबन 4-5 साल हो चुके थे। लेकिन हाल ही के दिनों में उनके बीच रिश्तों में बहुत ही ज्यादा खटास आ चुकी थी। फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने हेमंत के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर के FIR भी दर्ज करवाई थी। इस शिकायत ने पुलिस को यह संकेत दे दिया था कि शायद हेमंत ही इस हत्या के पीछे हो सकता है। अभी सिर्फ हो सकता था क्योंकि कंफर्मेशन नहीं की जा सकती थी, लेकिन सच्चाई तो अभी कुछ और ही सामने आने वाली थी। जब हेमंत से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह पिछले 9 महीने से ही महालक्ष्मी से अलग रह रहा है। उनके बीच लगातार झगड़े हो रहे थे और वे एक दूसरे से दूर होते चले गए थे। उनके मुताबिक वे दोनों अपने रिश्ते को लेकर अलग हो चुके थे, पर ऐसा हेमंत ने नहीं किया था। लेकिन पुलिस को अभी भी हेमंत पर ही शक था। महालक्ष्मी का परिवार भी इस मामले में पुलिस के संपर्क में ही था। उसकी माता मीना और बहन लक्ष्मी ने बताया कि महालक्ष्मी एक खुश मिजाज महिला थी जिसे अपनी बेटी से बेहद प्यार था। महालक्ष्मी की एक छोटी बेटी थी जो कि अब इस दुनिया में बिना माँ के रह रही है। पुलिस ने जब महालक्ष्मी के परिवार से पूछताछ शुरू की तो उन्हें यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि महालक्ष्मी के जीवन में कई अनेक पहलू छिपे हुए थे। एक साधारण से दिखने वाली महिला जिसके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, वह अब इस खौफनाक अंजाम तक कैसे पहुंची। महालक्ष्मी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की पूरी कोशिश की थी जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन घरेलू हिंसा की शिकायत ने उनके रिश्तों को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। हेमंत ने यहां पर यह भी खुलासा किया था कि महालक्ष्मी के जीवन में एक और व्यक्ति आ चुका है जिसके साथ वह काफी समय बिताने लगी थी। यह जानकारी पुलिस के लिए काफी अहम साबित होती है। पुलिस को अब तलाश थी तो अशरफ की, जो महालक्ष्मी का काफी करीबी दोस्त था और जिसके साथ उसके संबंध भी काफी अच्छे हो चुके थे। हेमंत ने पुलिस को यह जानकारी दी कि अशरफ ही वह व्यक्ति था जो महालक्ष्मी को अक्सर उसके फ्लैट तक छोड़ने के लिए आया करता था। जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी के अशरफ को गिरफ्तार किया और उसे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उसकी बातों से कुछ भी ऐसी जानकारी हासिल होती ही नहीं है। अशरफ ने कहा कि वह महालक्ष्मी का एक अच्छा दोस्त था और उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसकी दोस्ती को इस तरह से गलत समझा जाएगा। अशरफ का कहना था कि वह महालक्ष्मी की मदद करता था क्योंकि वह अपने पति से अलग रहती थी और अकेले संघर्ष कर रही थी। फिर आगे की जांच के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के फ्लैट के आसपास लगे CCTV फुटेज मिले। उन फुटेज में देखा गया कि 2 सितंबर की रात को दो अज्ञात लोग एक स्कूटी पे सवार होकर के उसके फ्लैट के नीचे आते हैं और उसके फ्लैट में भी दाखिल होते हैं। पुलिस ने इन फुटेज को ध्यान से देखा, लेकिन अज्ञात लोगों का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दिया ही नहीं। और अब फोकस कर चुकी थी पुलिस उन्हीं अज्ञात लोगों पे और उनकी तलाश जारी की जा चुकी थी जो महालक्ष्मी के फ्लैट तक पहुंचे थे। इस बीच पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल्स की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी आखिरी बातचीत किससे हुई थी। कॉल डिटेल और आगे की इन्वेस्टिगेशन से फिर एक और नया नाम सामने आता है, मुक्ति रंजन। यह नाम पुलिस के लिए बिल्कुल नया था और अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए मुक्ति रंजन की खोजबीन शुरू कर दी थी। मुक्ति रंजन जो कि बेंगलोर में कपड़ों की दुकान में काम करता था, हाल ही में वो अचानक से गायब हो चुका था। इसीलिए पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज्यादा शक हो गया कि शायद महालक्ष्मी के इस कांड में उसका कुछ लेना देना हो सकता है। पुलिस ने उसकी खोजबीन जारी रखी और कुछ दिनों बाद उन्हें एक खबर मिलती है कि मुक्ति रंजन उड़ीसा में अपने गांव वापस लौट गया है। पर क्यों? क्या ये सब कुछ मुक्ति का ही किया धरा था या फिर इसके साथ जुड़े हुए कुछ और भी अनसुलझे रहस्य छुपे हुए थे जो कि उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलने वाला था। फॉरेंसिक टीम ने भी महालक्ष्मी के शव को और फ्लैट की अच्छे से जाँच की,
तो टीम ने पाया कि इस घटनाक्रम को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसमें कि बहुत ही तेज धार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के आखिरी इन्वेस्टिगेशन तक भी उस हथियार को बरामद नहीं किया जा सका। खैर, ऐसा लग रहा था कि उस क्रिमिनल ने इस घटनाक्रम को बहुत ही सोच समझ कर कदम को फूंक फूंक कर रखा था, ताकि पुलिस उस अपराधी तक कभी पहुंच ही ना सके। अब जैसा कि मुक्ति रंजन उड़ीसा अपने गांव वापस भाग ही चुका था, हालांकि पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक 25 सितंबर की सुबह सुबह पुलिस को चौंका देने वाली खबर मिली कि उड़ीसा के भद्र जिले के एक कब्रिस्तान में मुक्ति रंजन का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। यानी कि मुक्ति रंजन ने खुद से ही अपने जीवन को मुक्त कर दिया था। और जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची, वहां पे जांच की, तो वहां पर से मुक्ति रंजन का खुद से लिखा हुआ आखिरी नोट बरामद हुआ। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं किस नोट की बात कर रहा हूं। और अब उस नोट में जो भी कुछ लिखा हुआ था, उस नोट से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जाँच बिल्कुल तरीके से बदल चुकी थी। उसने साफ तौर पर लिखा था कि उसने ही महालक्ष्मी की हत्या की थी। उसमें लिखा था कि 3 सितंबर को वो महालक्ष्मी के फ्लैट पर गया था, यानी कि गया तो वो 2 सितंबर को था और घटना 3 सितंबर की रात में जाकर के घटी थी। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठते हैं, शायद ही कभी इसका जवाब हम सभी को मिल पाएगा। यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि 2 सितंबर की रात एक्टिवा पे सवार हो करके 2 लोग उसके फ्लैट पे विजिट किए थे, तो अब मान लेते हैं कि एक मुक्ति रंजन था तो दूसरा कौन था। अब इस बात का जवाब देने के लिए ना तो मुक्ति रंजन है और ना ही खुद महालक्ष्मी, तो शायद ही कभी ये सच्चाई सामने आ पाएगी। खैर, मुक्ति रंजन ने आगे अपने नोट में लिख करके बताया कि वो उस रात उसके फ्लैट पर गया था, महालक्ष्मी से उसकी बातचीत हुई थी, लेकिन उसी बातों ही बातों में दोनों में झड़प हुई, गुस्से में दोनों में झगड़ा हो गया और महालक्ष्मी ने गुस्से में आ करके मुक्ति रंजन के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद मुक्ति रंजन ने बदले में आ करके उसकी हत्या कर दी। हालांकि इसके पीछे की वजह और भी कई बताई गई है, लेकिन असल सच्चाई क्या है साफ तौर पे साफ हो ही नहीं पाया। मुक्ति रंजन ने आगे लिखते हुए बताया कि उसने महालक्ष्मी के साथ ये सब करने के बाद अब उसे छिपाना भी था, क्योंकि वो काफी डर गया था, क्योंकि उसने इस घटनाक्रम को गुस्से में आकर के अंजाम दिया था। फिर उसने हथियार लाया। अब वो कौन से हथियार से ये सब किया था ये सब नहीं लिखा था। उसने बताया कि फिर उसने 59 हिस्सों में उसे डिवाइड किया और उसे फ्रिज में बंद करके और वो वहां से भाग गया। हालांकि उसने आगे यह भी बताया कि ये सब करने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आ सका क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गया था और डर के मारे वो वापस उड़ीसा भाग गया था और वहां पर जाकर उसने खुद का और इस केस का समापन कर दिया। यानी कि खुद से उसने जो ये चीजें करी उससे ये केस यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हालांकि ये केस इस तरीके से बहुत ही अजीब मिस्टीरियस तरीके से क्लोज तो हो गया, लेकिन अपने साथ बहुत ही रहस्य समेटे हुए चला गया। जैसे कि उस एक्टिवा पे दूसरा व्यक्ति कौन था और हथियार वो बरामद नहीं हो पाए हैं, किस हथियार से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तीसरा रहस्य ये कि आखिरकार इस घटना को कहां पे अंजाम दिया गया, क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने बताया कि वहां पे बिल्कुल साफ सफाई की जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर से कहीं और से ला करके फ्रिज में उसे पिरो के रखा गया था, तो ये भी एक रहस्य बन चुका है। शायद इसका खुलासा तब हो सकता है जब वो व्यक्ति पकड़ा जाए जो एक्टिवा पे सवार था, दूसरा व्यक्ति। अब ये कब पकड़ा जाएगा, नहीं होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आप क्या कहते हैं इस केस के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मुलाकात होगी एक और नई ऐसी ही वारदात के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।